प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं आपसे मेरा एक छोटा सा एक अनुभव शेयर कर आज के विषय में प्रवेश करना चाहती हूँ। जब मैं इधर आ रही थी, अभी मैं एक गार्डन में खड़ी हूँ, तो रास्ते में 6 या 7 कुत्ते थे और ये ऐसे बैठे हुए थे एक साथ, और मैं इनको देखकर थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि जैसे मैं पास आई तो ये सभी कुत्तों ने क्या किया, सिर उठाकर मुझे ऐसे देखा और वापस अपने स्थान पे लेट गए, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि ये 7 कुत्ते थे, 6 या 7 थे। तो मैं पीछे की ओर वापस गई और मैं एक छड़ी लेके आई, और इस बार जब मैं वापस आई तो पहले की तरह फिर से ये सारे कुत्ते सिर उठाकर मुझे देखे, और इस बार क्या किए, एक एक करके खड़े होके सभियों ने मुझे साइड दिया। तो मुझे अंदर से हंसी आई कि वाह, कितना ज़्यादा मुझे आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे प्रति सम्मान या आदर के कारण नहीं, मेरे हाथ में ये जो छड़ी है, ये छड़ी देखकर ये खड़े हुए, क्योंकि इन्हें डर लगा कि छड़ी से उन्हें कुछ मिले ना। तो इसी प्रकार हम भी कई बातों से अपने आप को अलग रखते हैं, कई चीज़ें हम करते नहीं हैं, और इसका कारण एक ही है कि हम परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर का भय या परमेश्वर के प्रति आदर के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर से डरना, ये डर और भय दोनों अलग अलग चीज़ है। परमेश्वर के डर में क्या होता है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया था, अगर यदि झूठ बोलोगे तो प्रभु आपको नरक में डालेगा। तो नरक में जाने का डर कि प्रभु मुझे नरक में डालेगा, उस डर के कारण हम क्या करते हैं, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, इस प्रकार की गलत चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखते हैं डर के कारण, ना ही परमेश्वर के भय के कारण। मेरा आज का विषय है परमेश्वर का भय। देखिए, परमेश्वर का भय क्या है, एक ऐसी भावना, एक ऐसा गहरा आदर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम के वजह से अंदर से आ रही हो, जहां मुझे ऐसे लगे यदि मैं ऐसे करूंगी तो मेरे पिता के दिल को मैं चोट पहुंचाती। अगर ऐसा जो सोच है, वो सोच यदि मुझे गलत काम से दूर रखे, तो उसे कहते हैं परमेश्वर के प्रति भय या भक्ति, उसे डर नहीं कहते। और यदि मैं ऐसे सोचूं कि यदि मैं ऐसे करूंगी तो प्रभु मुझे नरक में डालेगा, तो वो डर है। मूसा ने इसराइलियों से ऐसे कहा कि अपने मन में परमेश्वर का भय मानो, ताकि वो आपको पाप करने से रोकेगा। तो पाप करने से बचाने के लिए एक ही उपाय है, और वो है परमेश्वर का भय मानना। देखिए, ये मूसा किससे कहता है, एक ऐसा झुंड जो मिस्र देश से बाहर निकला, वहां पे ऐसे लिखा है कि वो 6 लाख से अधिक लोग थे। 6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे जो पैदल चल सकते थे, बाकी के स्त्री और बुजुर्ग और बच्चों का तो गिनती वहां लिखा ही नहीं है। तो 6 लाख ये, और इनके साथ और भी बहुत ही बड़ा एक झुंड। देखिए, इतना बड़ा एक झुंड, जब वो मिस्र से बाहर निकलते हैं तो उनका एक ही मकसद है, मुझे उस कनान देश में पहुंचना है। जब वो लाल समुद्र से पार होते हैं तभी भी उनका एक ही मकसद है, और अब जब रेगिस्तान में से जब वो गुजरते हैं, इनका एक ही मकसद है, मुझे वो कनान देश में पहुंचना है। लेकिन यहाँ पे मूसा देखिए इनसे क्या कहते हैं कि यदि आप वहां तक पहुंचना चाहो, सही बात है आप मिस्र से निकले, सही बात है आप लाल समुद्र आपने पार किया, लेकिन यदि आप वहां पहुंचना चाहते हो तो परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको पाप करने से रोकेगी। तो देखिए, इनके बारे में पौलुस कहता है कि ये समुद्र में से और बादल में से होकर बपतिस्मा लिए। हम भी आज इन्हीं के स्टेज पे हैं, हम भी मिस्र से बाहर निकलते हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं, और हम भी बपतिस्मा लेते हैं, और आज हम भी उस रेगिस्तान की अवस्था में है जहां हम हमारे कनान देश की ओर हम जा रहे हैं। हमारा भी वही मकसद है कि हमें उस देश में पहुंचना है जहां शहद और दूध बहता है। लेकिन मूसा का वो जो एडवाइस है वो आज हमारे लिए भी लागू होता है कि यदि इस यात्रा में आप सुरक्षित वहां पहुंचना चाहो तो इस यात्रा में पाप ना करो, और यदि आपको पाप ना करना है तो परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। देखिए, आजकल एक गलत सोच हमारे अंदर आ चुका है कि यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं तो पाप करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दाऊद ऐसे सोच को देखिए, दाऊद क्या कहता है, वो कहता है मूर्ख अपने मन में कहता है कि परमेश्वर है नहीं, और नास्तिक जो है वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं, हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन वे लोग जो अपने प्राइवेट लाइफ में एक ऐसा जीवन बिताते हैं एस इफ परमेश्वर है ही नहीं, उनको दाऊद मूर्ख कहता है। तो इसलिए हमें मूर्ख बनकर नहीं, लेकिन बुद्धिमान बनकर परमेश्वर का भय मानते हुए इस जीवन में आगे बढ़े, ताकि हम हमारे मकसद तक पहुंच जाए।
और इब्रानियों के पुस्तक में भी हम देख सकते हैं, यदि हम परमेश्वर को जानने के बाद बार बार यदि हम पाप करें तो हम परमेश्वर के पुत्र को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो इसलिए अवश्य है कि हमारी इस यात्रा में हम पाप से दूर रहे और परमेश्वर के करीब रहे, क्योंकि देखिए वचन हमें सिखाता है कि इस 6 लाख से अधिक इतने बड़े झुंड में से सिर्फ 2 लोग कनान देश में पहुंचते हैं। बाकियों के साथ क्या हुआ? परमेश्वर कहता है क्योंकि इस रास्ते में वो मुझसे दूर हो गए, वो मेरे करीब नहीं रहे। इसलिए अवश्य है कि हमारे इस जीवन यात्रा में हम परमेश्वर के करीब रहे, उसके दिल के पास रहे, परमेश्वर का भय मानते हुए हमारा जीवन बिताए। प्रभु हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का भय मानते हुए जीने में सहायता करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।